एकदम फर्स्ट क्लास क्रिस्टल क्लीन वाटर के साथ में रिवर गाइस। एक दोस्त ढूंढता। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और आज हम आ चुके हैं अपनी नई लोकेशन पे, एक नई कैंपिंग लोकेशन पे ऋषिकेश में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी है और कहने के लिए तो मतलब यहाँ पे ना हर चीज एकदम एक नंबर है। जैसा कि हमारा आज का डायलॉग है, एक नंबर। मैं कुछ भी बोलूँ, यहाँ पे हर चीज एक नंबर है। इसके स्विस टेंट ले लो, एसी टेंट ले लो, स्विमिंग पूल ले लो, गार्डन एरिया ले लो, सब चीज एक नंबर है यार। और धीरे धीरे इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो आपको जरूर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है, और अगर आपको नहीं भी आना है तो आपको एक एंजॉयमेंट फुल वीडियो मिलने वाली है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, फुल एंजॉय करना मेरे साथ जैसा कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हम पिछले एक घंटे से स्विमिंग पूल में पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा मन किया यार व्लॉगिंग छोड़ो, अपना आराम से पहले स्विमिंग पूल में थोड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन मुझे फिर से ध्यान आया कि अरे मेरी पब्लिक तो वेट कर रही है, तो मैंने यहाँ पे फिर से अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे अपने एसी टेंट्स में एंजॉय कर रहे हैं। और मतलब ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैंने दो टेंट्स, भैया का दिल बहुत बड़ा है, भैया ने बोला दो टेंट्स ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं हम दोस्त हैं सारे, हमको एक ही टेंट में रुकना है। तो भैया ने एक्स्ट्रा बेडिंग करवा के हमारे एक ही टेंट में जुगाड़ करवा दिया, और हम सारे एक ही जगह रुक के एक ही जगह फन करेंगे, मस्ती करेंगे फुल टू। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइज, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे लेमन ग्रास रिजॉर्ट में, और ये एक बहुत फेमस रिजॉर्ट है ऋषिकेश के बीच में। भैया एक थोड़ा सा एड्रेस बता दो कहाँ पर है। एड्रेस है ये आपका नीलकंठ रोड पे, मोहन चट्टी के पास है। हाँ। और ये आपका नीलकंठ ऋषिकेश से 18 किलोमीटर ऊपर, ऋषिकेश से 18 किलोमीटर ऊपर आता है, लक्ष्मण झूला से पीछे वाला जो रोड है नीलकंठ रोड, उस पर पड़ता है मोहन चट्टी के पास में। रोड, ठीक है। तो ये वाला जो कैंप साइट है, ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। मैंने इसका रिव्यू खुद से चेक किया था, सारी चीज़ें चेक करी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं आपको इनका कैंप टूर दे देता हूँ जो नॉन एसी है, उसके बाद में मैं आपको इनका एसी कैंप का टूर दूंगा, और सबके प्राइस भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। चलिए पहले चलते हैं नॉन एसी रूम में। तो ये एक सिंपल सा ट्रिपल शेयरिंग नॉन एसी रूम है, जिसमें आपको फैन मिल जाता है, सिंपल लाइटिंग वाइटिंग सब अच्छी कर रखी है भैया ने, चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं आराम से, डबल बेड इधर है और एक इधर सिंगल बेड लगा रखा है आराम से। और इधर अगर आप देखें तो टेंट के पीछे यहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल है, और वॉशरूम देखोगे ना तो मतलब एक नंबर। आज का हमारा जो डायलॉग है ना, एक नंबर, वो एक नंबर सच में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसी है, मेरे को सच में, मैं पहले जो प्रॉपर्टी में जाना था वो एक नंबर ही थी, लेकिन ये उससे प्लस पॉइंट्स में ही आती है। वॉशरूम एकदम नीट क्लीन स्पेशियस साफ सुथरा, लाइटिंग शीशा सब कुछ एकदम बढ़िया लगा रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा मिरर दिया हुआ है भैया ने, और यहाँ पर थोड़ा सा अलमीरा वाला स्पेस दिया हुआ है। तो ये जो इनका स्पेस है, ये है नॉन एसी के लिए, और नॉन एसी वाले टेंट में आपको मिल जाता है यहाँ पे कूलर। ये देखो कूलर का स्पेस भी दिया हुआ है भैया ने, तो मतलब फुल एकदम फैसिलिटी के मामले में, क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भैया की तरफ से। मैं आपको इसका सीजनल रेट बता देता हूँ, सीजनल रेट आपको 1800 पर पर्सन आराम से पड़ जाएगा। सीजन में बता देता हूँ, फरवरी से जुलाई तक सीजन चलता है मोस्टली, यहाँ पे लोग भर भर के होते हैं। 1800 पर पर्सन में इनका ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड इवनिंग स्नैक्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इवनिंग स्नैक्स में बता देता हूँ आपको, मिक्स वेज पकौड़े मिलेंगे, पीनट्स या चने की चाट मिलेगी, और कचरी वचरी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस में आपको चाय मिल जाएगी। एंड डिनर में एक चिकन का आइटम, एक पनीर की कड़ी और एक नॉर्मल सब्जी मिलती है, राइस एंड रोटी मिलती है, और सेम लंच में होता है, चिकन का आइटम लंच में नहीं होता है। और अगर आपको ब्रेकफास्ट सेम डे लेना है तो सेम डे ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे लेना है तो नेक्स्ट डे ले सकते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, पराठा और पूरी सब्जी में एक ऑप्शन होता है, और दूसरा होता है आपका पोहा या मैक्रोनी। अगला वाला जो टेंट दिखाने वाला हूँ मैं आपको, एसी वाला टेंट दिखाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं एसी वाले टेंट की तरफ। मेरे पीछे जो है ये है कॉटेज, ये इनके एसी वाले कॉटेज हैं, वो मैंने दिखाए थे, वो स्विस टेंट थे, नॉर्मल कूलर वाला हिसाब किताब था उसमें, इस वाले में एसी वाला हिसाब किताब है। तो चलिए अंदर, मेन्यू आपको सेम रहेगा लेकिन फैसिलिटी यहाँ पे एसी वाली, और थोड़ा सा आप समझ लो कि आपको क्वालिटी जो है वो थोड़ी अच्छी मिल जाती है एसी टेंट्स में।
तो एसी टेंट नहीं बोलेंगे इनको, एसी कॉटेज बोलेंगे बेसिकली। तो चलिए अंदर चलते हैं सीधा एक कॉटेज में और आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखो नंबर एक, स्पेशियस क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया। बेडिंग देख लो आप, इधर एक एक्स्ट्रा बेडिंग होती है, अगर आप तीन पर्सन हो तो आराम से ये वाला बेड निकाल के बिछा के आप आराम से सो सकते हो। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मिरर मिल जाता है, ये स्टाइलिश मिरर है जस्ट फॉर द डेकोरेशन ऑफ द रूम। और ये वाला जो एसी लगा हुआ है सेवन स्वी का, ये आपका 24/7 वर्किंग है, यहाँ पे लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं वॉशरूम की तरफ। यहाँ पे आपको एक छोटी सी अलमीरा मिल जाती है आपका सामान वामान रखने के लिए। एंड वॉशरूम अगेन स्पेशियस वॉशरूम, साफ एकदम नीट क्लीन, बढ़िया टाइल्स वाइल्स लगा के पूरा ऊपर तक सब कुछ फर्स्ट क्लास है वॉशरूम। यहाँ पे टॉयलेट सीट है, यहाँ पे शावर वावर लगा रखा है, ट्यूबलाइट मिरर सब कुछ एकदम रेडी कर रखा है। उधर सामने भी एक मिरर है। तो ये वाला भैया का एसी कॉटेज था और इसमें जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती है, 2500 पर पर्सन पड़ जाती है ट्रिपल शेयरिंग में। और डबल शेयरिंग में शायद थोड़ा सीजनल वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे भी अगर भैया को आप बोलोगे विश व्लॉग्स के थ्रू आए हैं तो भैया थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको जरूर दे देंगे। तो मैं आपको भैया का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बता दूं, तो भैया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 8508006031 भैया का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल चुका है। वैसे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको देने वाला हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, आप जाके यहाँ पर कॉल कीजिए। और बाकी इसके बाद आगे की चीज जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो इस कैंप साइट की मेन 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 क्वालिटी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट टू दिस डोर। क्योंकि ये बिल्कुल सामने मेरे पीछे है कॉटेज और ये नेक्स्ट डोर के सामने बिल्कुल बह रही है एकदम फर्स्ट क्लास क्रिस्टल क्लीन वाटर के साथ में रिवर। गाइस देखो यार, वहाँ पे आप पूरा एंजॉय कर सकते हो, पूरा बीच है यार यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी अभी तक दिखी नहीं है। ये देखो सामने पहाड़, देखो कितनी अच्छी वादियाँ हैं चारों तरफ, एकदम फर्स्ट क्लास मौसम हो रखा है, फर्स्ट क्लास एकदम लोकेशन है यार। मतलब कुछ कहना नहीं है यार कैंप साइट का, अगर इतने में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई। और सबसे रात में भैया प्रोजेक्टर लगाते हैं बता रहे हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन चल के दिखा दूंगा, स्विमिंग पूल चल के दिखा दूंगा, दोनों चीजें दिखा दूंगा। और प्रोजेक्टर लगता है, आपको कोई फिल्म एंजॉय करनी है कुछ भी लगाना है आपकी मर्जी से लग जाएगा। 10 बजे तक रात को डीजे बजता है, मतलब जो फैसिलिटी भैया पॉसिबल करा सकते हैं वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है यहाँ पे स्पेशली। और अब हम लंच करने जा रहे हैं क्योंकि 1:30 बज चुके हैं और 1 से 3 बजे तक भैया की लंच टाइमिंग है। ठीक है, तो लंच करने चलते हैं। और पहले आप ये लोकेशन देख लो यार, एक नंबर। आज का हमारा डायलॉग जो है वो एक नंबर है और एक नंबर ही ये लोकेशन। सामने भैया की डबल डेकर कैंटीन है, वहाँ आप ऊपर चाहो तो ऊपर लंच एंड डिनर अपना एंजॉय कर सकते हो, नीचे चाहो तो नीचे कर सकते हो। और जिस प्रोजेक्टर स्क्रीन की भैया बात कर रहे थे वो है ये, मतलब पूरे ऋषिकेश में इससे बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन कहीं पर है नहीं। मोस्टली लोग स्क्रीन ही नहीं देते हैं लेकिन भैया ने दी हुई है और ये बहुत बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन है। और जो यहाँ का जैम है, जो यहाँ की खास बात है, वो है यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया। तो उस तरफ है ये 4.5 फीट और इस तरफ ये आके हल्का सा 4 फीट हो जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये बच्चों के लिए है, नहाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है यार, मैं पिछले 1 घंटे से इसी में डूब रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। सामने ये देखो भैया के पास में डबल डेकर कैंटीन एरिया। भैया आपके पास में कैपेसिटी कितनी, कितने लोग आ सकते हैं आपके टोटल कैंपिंग में? 45 से 60 लोग। ट्रिपल शेयरिंग में 45 लोग आ सकते हैं और क्वाड शेयरिंग में 60 लोग। ओके, सो भैया कह रहे हैं अगर 4 लोग एक टेंट में रुकते हैं तो 60 लोग बड़े आराम से इनकी प्रॉपर्टी में आ सकते हैं, और अगर आप 3 लोग एक कैंप में रुकते हैं तो 45 लोग आप आराम से इस कैंप में आ सकते हो। तो काफी ज्यादा स्पेशियस है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ग्रास देख लो यार, एकदम हरियाली हरियाली ग्रास है चारों तरफ, बहुत बढ़िया नज़ारा है चारों तरफ। सबसे बड़ी बात तो ये नज़ारे जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये नॉर्मली आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। गाइस देखो यार, चारों तरफ नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। जो आज का हमारा डायलॉग है वो एक नंबर है और ये सच में प्रॉपर्टी एक नंबर है यार। और मैं आपको आपका लंच रिव्यू देने वाला हूँ थोड़ी देर में, हम लंच करने जा रहे हैं, लंच हमारा लग चुका है, ऑलरेडी 1:30 बज रहा है तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो भाई आज इस कैंप साइट में, क्योंकि सीजन ऑफ चल रहा है तो इस कैंप साइट में सिर्फ हम 5 लोग हैं और फुल मस्ती कर रहे हैं, हम लोग फुल ऐश कर रहे हैं। और मैं आपको लंच दिखा देता हूँ, इसके पास लंच में क्या क्या है। यहाँ पे देखो आप, मिक्स वेज है और रायता है, उसके अलावा जो है सेकंड ऑप्शन राइस एंड दाल है, सैलेड है और यहाँ पे
चपातियां हैं, तो बहुत डिसेंट सा लंच है इनका, सैलेड ग्लासेस वगैरह सब कुछ, भैया एमिनिटीज पूरा ध्यान रख रहे हैं हर चीज का। यहाँ से बाहर से आपको देखो तो कैंप दिखाई देते हैं पूरा। ये जो इनका डबल डेकर शेड है वो स्पेशली जो है लंच एंड डिनर के लिए ही बनाया गया है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो ये ऊपर नीचे दोनों तरफ बना लगाते हैं अपना खाना, और अगर भीड़ कम है तो सिर्फ नीचे नीचे में काम चल जाता है। इधर इन्होंने भी लगा ली अपनी थाली, खाना एकदम मस्त है, अभी खा के बताएंगे बाकी कैसा बनाया है ना खाना। बहुत टेस्टी है यम्मी। आप बताओ बनी, बहुत बड़े बहुत। आप बताओ साक्षी। एक नंबर। एक नंबर साक्षी को मैंने आज बोलने के लिए बोला हुआ है कि आपको एक ही नंबर बोलना है, आप बताओ है ना। एक नंबर। खाना अच्छा है ना भाई? खाना बहुत अच्छा है सर। सो गाइस ये है हमारे कैंप साइट के सामने बिल्कुल एकदम 10 कदम की दूरी पे रिवर, और यहाँ पे हमने पिछले आधा घंटे से एंजॉय किया है। यहाँ पे और भी लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, आगे भी लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे ये भाई भी हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, और हम सारे तो साथ में थे ही। बहुत मस्ती करी है, मतलब एक नंबर जगह है यार ये, मतलब हर चीज़ एकदम ऐसी परफेक्ट मिली है ना इस लोकेशन पे, मेरे को कुछ प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है यार। ये एकदम क्रिस्टल क्लीन वाटर है, आप देख सकते हो, ये देखो कितना क्लीन वाटर है एकदम, और देखने में बहुत खूबसूरत है, और जगह का तो कोई मतलब कहना ही नहीं है, लाजवाब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अकेला एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं, दोस्ती के लिए। भाई यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, वो सारे कैंप साइट्स हैं भाई, देख लो कितनी ज़्यादा लोकेशन अच्छी है। और ये वाली है अपनी कैंप साइट, सिंपल सी एकदम क्लीन नीट, और स्विमिंग पूल में हम ले रहे हैं मज़े अभी तक भी। अभी भी हम स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं फुल टू भाई, पूरा मजा आ रहा है इस वाली ट्रिप पे, नॉन स्टॉप हम मस्ती कर रहे हैं। एंड मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अब तक नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ऋषिकेश पार्ट 3। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय गाइस।